तो दोस्तों आज के दिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को .xyz डोमेन प्लस एक साल का वेब होस्टिंग आप लोगों को सिर्फ 299 रुपीस में कैसे मिल रहा है, यानी कि डोमेन और होस्टिंग दोनों एक साल के लिए कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए और आप लोगों को इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, क्योंकि इसी तरह की मैं और भी चीप और बेस्ट वेब होस्टिंग प्लस डोमेन वाली वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे एसईओ ब्लॉग लर्नर को, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और नाम भी याद रखना एसईओ ब्लॉग लर्नर। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोगों को इस वेबसाइट को ढूंढना न पड़े और आसानी से आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाए। तो दोस्तों डोमेन और होस्टिंग एक साथ खरीदने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, बस इस मेरे स्टेप को फॉलो करिएगा। और इस वेबसाइट की खासियत ये है कि आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा सपोर्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर है सबसे ऊपर, और यहाँ पर देख रहे हैं तो चैट सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, यानी कि आप लोगों को चैट के जरिए भी हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें चार टाइप के प्लान है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ दो प्लान के बारे में, मिनी और स्टार्टर प्लान। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो कंपेयर कर सकते हैं दूसरे अदर वेबसाइट से, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा इस वेबसाइट में और उन सब में क्या फर्क है। चलिए हम लोग जो प्लान लेने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग प्लान लेने वाले हैं वो मिनी और स्टार्टर है। दोस्तों मिनी वाले में आप लोग 3 वेबसाइट बना सकते हैं और ये स्टार्टर प्लान वाले में आप लोग 10 वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप लोग दोनों में से कोई भी एक लीजिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो आप लोग वेबसाइट बनाएंगे स्टार्टर पे या मिनी पे, दोनों में स्पेस बहुत कम है, यानी कि ये लर्निंग पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 GB सिर्फ आप लोगों को SSD स्टोरेज मिल रहा है, यानी कि 5 GB तक आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं ऑनलाइन डेटा। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो फ्री इसमें आप लोगों को 20 GB तक CDN क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क मिल रहा है, यानी कि आप लोगों का जैसे कि आप लोगों को CDN के बारे में अगर पता नहीं है तो आप लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो फ्री डेली बैकअप आप लोगों को मिलेगा इस, अगर आप लोग वेबसाइट बना देते हैं तो आप लोगों की वेबसाइट में अगर समझ लीजिए कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग ऑटोमेटिक बैकअप ले सकते हैं। लेकिन दूसरे वेबसाइट में फंक्शन नहीं होता है कि डेली, वो लोग वीकली देते हैं और अगर डेली का लेंगे तो उसका अलग से पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें देख रहे हैं तो डेली फ्री बैकअप बोला गया है। 25 MySQL डेटाबेस बना सकते हैं, 25 डोमेन बना सकते हैं, यानी कि सब डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि xyz.com आप लोगों का जो भी मेन डोमेन रहेगा वो फिर .com, ऐसा जो भी वेबसाइट के जो भी डोमेन्स होते हैं उसको बोलते हैं सब डोमेन। यहाँ पे लाइट स्पीड वेब सर्वर है, फ्री SSL सर्टिफिकेट जिसका प्राइस 3,000 से 4,000 रुपये होता है, और यहाँ पे देख लेंगे तो 99% सर्विस अप टाइम रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 24 घंटा आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हैं सी पैनल का तो डेमो पे क्लिक कीजिए, और डेमो जो है वो आप लोगों के सामने पेज लोड होने के बाद कुछ दिखाई देगा इस तरह से, जैसे कभी पेज लोड हो रहा है। लोड होने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देख रहे हैं तो पेज जो है वो लोड हो चुका है, और लोड होने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों का सी पैनल देखने को मिलेगा। अभी ये पेज लोड हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है, जो भी एक यानी कि जो भी एक सी पैनल में चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो देख रहे हैं तो जो मेन इसमें से होता है फाइल मैनेजर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देख रहे हैं तो बैकअप विजार्ड बैकअप जो कि आप लोगों को डेली बैकअप लेने में हेल्प करेगा, और ऑटोमेटिक बैकअप रहता है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को मैनुअली अपने बैकअप को रिश्योर करना होता है अगर आप लोगों की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो ही। तो दोस्तों मैं ये वाला सेकेंड प्लान जो है स्टार्टर प्लान इसको सिलेक्ट करूँगा और बाय नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे आप लोग बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे पेज लोड होगा, और लोड होते ही आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों को यह ऑप्शन बोलेगा। यहाँ पे बोल रहा है चूज अ डोमेन, आप लोग जो भी होस्टिंग सिलेक्ट किए हैं उसके बाद आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक, और यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू डोमेन इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप लोग जो भी डोमेन लेना चाहते हैं उस डोमेन का नाम लिखिए, और यहाँ पे मैं xyz डोमेन सिलेक्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेरा डोमेन का नाम लिख दिया, बिजनेस का नाम लिख दिया, आप लोगों को भी अपने बिजनेस का नाम लिखना है, और यहाँ पे डोमेन में सिलेक्ट करना है एक्सटेंशन के अंदर। आप लोग 3 टाइप के या 4 टाइप के डोमेन यहाँ पे एक्सटेंशन ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपना बिजनेस का नाम लिखिए फिर .xyz डोमेन, या फिर आप लोग यहाँ पर .site और .form और .एक ऑनलाइन है जो कि अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, शायद जल्दी ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 प्रकार के जो डोमेन जो जो मैंने बताया वो सब आप लोग बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, यानी कि आप लोगों को जो जो डोमेन बता रहा हूँ वो आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि .xyz फिर .यहाँ पे fun .site,
तो इन चार डोमेन को आप लोग ले सकते हैं। चेक के बटन पर क्लिक कीजिए, अगर ये अवेलेबल होगा तो आप लोगों को तुरंत यहाँ पे अवेलेबल दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हो तो लिख करके आ रहा है कि अवेलेबल है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख रहे हो तो दोनों का प्राइस यहाँ पे 89 रुपीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ पे सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। देख रहे होंगे तो ये पर मंथ का जो प्लान है हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ 69 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग एक साल के लिए लेने वाले हैं। यहाँ पे इस पे जाकर के एनुअली पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। चूज़ अ बिलिंग साइकिल के अंदर वो एनुअली वाला लास्ट वाला सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो तो ये फ्री में है, इसको अगर आप लोग चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं या इसको आप लोग नन कर सकते हैं। ये फ्री में है इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। फ्री वाली चीज़ हम लोगों को चाहिए रहती है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और पेज को लोड होने तक का हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। पेज जैसे ही लोड होता है यहाँ पर ये DNS मैनेजमेंट एक ऑप्शन दिया गया है जो कि 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहिए हम लोगों को। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 1 ईयर का डोमेन और होस्टिंग दोनों सिलेक्ट कर लिया है, जिसका प्राइस आप लोग देखेंगे तो 917 रुपये आप लोगों को पे करने के लिए बोल रहा है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहे ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि ये 917 से 299 में कैसे आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो तो जो डोमेन का प्राइस है वो 89 रुपीज़ है पर ईयर के लिए, यानी कि एक साल के लिए। लेकिन रिन्यूअल रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टर प्लान जो है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टर प्लान यानी कि 828 जो रुपीज़ है एक साल का स्टार्टर प्लान का प्राइस है। अब इसको कम कैसे करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे, अप्लाई कूपन के अंदर आप लोगों को लिखना है मेरे चैनल का नाम, जैसे कि मेरा जो चैनल है उस चैनल का नाम लिखिए आईलर्नटेक। तो यहाँ पे आईलर्नटेक आप लोगों को बड़े बड़े अक्षर में नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप लोगों को देख करके आप लोगों को अप्लाई प्रोमो कोड के अंदर लिख देना है, जिसका प्राइस 917 रुपये था, अब यहाँ पे देख रहे हो तो 299 रुपीज़ हो चुका है। अब आप लोग इसको खरीद सकते हैं, देख रहे हो तो प्रोमो कोड जो है वो आप लोग एक्सेप्टेड हो चुका है यहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों को प्राइस जो है 299 रुपीज़ में दिखाई दे रहा है। चेकआउट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बहुत आसान है, तो अकाउंट बनाने के लिए आप लोग अपना नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपने कंपनी का डिटेल या आप लोग कोई भी एक एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है और इसको ऐसे ही रहने दे, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। और यहाँ पे देख रहे हो तो आप लोगों को पासवर्ड बनाना है आप लोगों को, और एक ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आप लोग हमेशा याद रखें, लेकिन किसी के साथ में अपना पासवर्ड शेयर ना करें। जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग जितने भी अंक का पासवर्ड चाहिए रहेगा, जैसे कि 10 डिजिट का पासवर्ड चाहिए टोटल, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा, 15 चाहिए तो 15 लिख दूंगा, और यहाँ पे 10 डिजिट का टोटल पासवर्ड आ जाएगा। जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे तो टोटल ये इसको अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 10 वर्ड का होगा, और उसको आप लोग कॉपी कीजिए और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फिलअप भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, आप लोग पेमेंट कैसे करना चाहते हैं वो पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI, भीम UPI या जितने भी UPI वैलेट्स हैं उसके जरिए अगर आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप लोग किसी अन्य देश में रहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि इस टाइप के जरिए पेमेंट करना, तो आप लोग इसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा फर्स्ट वाले को ही टिक रहने दीजिए अगर आप लोग अभी इस समय इंडिया में हैं तो। उसके बाद इसको ऐसे ही टिक, यानी कि इसको यस पे रहने दें या इसको नो कर दें, यानी कि इससे ये होगा कि जो भी न्यू ऑफर्स आएंगे वो आप लोगों को आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएंगे। अगर चाहते हैं लेना तो वैसे ही रहने दीजिए, अगर नहीं चाहते तो नो कर दीजिए और कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक कीजिए और पेमेंट कीजिए। आप लोगों का जो ऑर्डर है, जो भी आप लोगों ने होस्टिंग डोमेन सेलेक्ट किया है, जो भी आप लोगों का मनचाहा डोमेन आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो परचेस हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के अकाउंट में दिखेगा, फिर आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, जिसको आप लोग देख करके आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये वाला वीडियो है, इसको देख करके आप लोग आसानी से आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी वेबसाइट में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कुछ भी किसी प्रकार का सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर जरूर टिक करें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके हमारे इस SEO ब्लॉग लर्नर चैनल पर।